नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा। तारा वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान। नई सुबह के साथ नए मेहमान तो होते ही हैं और रोज़ाना के मेहमान बहुत ख़ास होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं। आज के मेहमान भी टैलेंटेड हैं। उनका टैलेंट जो है, मैं ये कह सकती हूँ कि वो एक मीमर रह चुके हैं। 5 अकाउंट बैंड हो चुके हैं उनके, और एक जब मीमर पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन मैंने शो पे इनवाइट किया सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, अकाउंट बैंड होने की वजह से भी, और दूसरा सुधर भी गए। उन्होंने बोला अब भाई किसी के लिए गलत बात नहीं करनी, तो इसीलिए मैंने इस खुशी में इनवाइट किया है कि एक इंसान जब एक चीज़ छोड़ देता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो किया बस, जो गया सो गया। तो अब जो है अच्छे काम करें, अच्छा कंटेंट रखें जिससे आप अच्छे पॉजिटिव वे में वायरल हो सके, किसी के करेक्टर के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करें। तो वेलकम करते हैं अपने शो पर HP बलोच और राशिद बलोच को। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। आप तो कुछ ज्यादा ही मतलब ओके हैं। नहीं, मुझे तो थोड़ा बुखार था, भाई ने कॉल किया। अच्छा, तो फिर मैं आपकी शो इनवाइट करने आया था। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर से। कश्मीर से। अरे इतनी दूर से आए। कश्मीर की क्या चीज फेमस है? कश्मीर की जो चीज है फेमस, उसको केक बोलते हैं। केक मतलब दस्ती केक। वो कपकेक का मतलब? हाँ, हाँ, वो आग से बनाया जाता है। जैसे भट्टे में ईंट को डाला जाता है ना। अच्छा, नहीं से वो केक। मुझे इसका मतलब अब कश्मीर जाना पड़ेगा, या मुझे बड़ी यूनिक बात पता चली है। आपको वेलकम करते हैं कश्मीर में। पक्की बात है, इंशाल्लाह। ओके हो गया भाई। HP बलोच कहाँ से बिलोंग करते हैं? वैसे तो कश्मीर भी मुझे नजदीक है, तकरीबन यहाँ पे पड़ता है मुझे 38 किलोमीटर। आपका अपना गाँव कौन सा है? मेरा बख्शापुर, कंकोड ही लगता है मुझे। कंकोड, अच्छा। वहाँ की क्या चीज मशहूर है? वहाँ की चीज इतनी खास तो नहीं है, आई डोंट नो, इतना तो कुछ नॉलेज नहीं है कि क्या मशहूर है। अभी तक कुछ ऐसी चीज आई नहीं है जो फेमस। अच्छा। जो एकदम से ऊपर है। जैसे हमें राशिद बलोच ने बताया कि भाई कश्मीर के कप केक कोई होता है जो आग पे बनता है, बड़ी यूनिक चीज शेयर की आपने कि वहाँ की मशहूर है, तो ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ टिकटॉक ऐप की जी, पहले तो मुझे आप ये बताएं टिकटॉक ऐप आखिर क्या है? टिकटॉक ऐप जो है ना, नौजवानों के एंजॉयमेंट है। नौजवान जो है ना, क्या जवाब दिया? नौजवान एंजॉयमेंट करते हैं अक्सर। मैंने काफी अक्सरियत नौजवानों को देखा है, तो जब घर में बोर होते हैं तो टिकटॉक बना दे। अच्छा, टाइम पास जिसे कहते हैं वही है टिकटॉक ऐप। HP बलोच क्या कहेंगे, क्या है टिकटॉक ऐप आखिर है क्या? देखिए, टिकटॉक ऐप एक, जैसे राशिद ने कहा कि इंजॉय भी है, और एक कहते हैं कि एक सोच इंसान की होती है कि भाई देखो ये बंदे ने टिकटॉक बनाई, मुझे भी इस तरीके से बनना है। एक ड्रीम होती है तो उस तरीके से बनना है, और मुझे भी लाइक्स बढ़ने हैं, यानी कि लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे फॉलो करें, और जैसे कहते हैं कि मैं भी फेमस हूँ। और इतनी तो अभी तो पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन जब माहौलियत के हिसाब से कुछ अभी टिकटॉक ऐप जो है एक फेम कह सकती हूँ इंसान, वहाँ से हर एक को वहाँ से फेम चाहिए, और फेमस होना हर कोई चाहता है कि चार लोग जाने, एक भरम और शंट हो, भाई हम, मैं सेलिब्रिटी हूँ, आर्टिस्ट हूँ। तो टिकटॉक ऐप ये है, तो क्या आपने टिकटॉक से फेम लिया? टिकटॉक में मैंने फेम लिया कि लेकिन एक तरीके से लिया था, कुछ ओवर टाइप की वीडियोस बनाई थी। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि किसी के करेक्टर पे बात नहीं करते, जो कि अभी HP बलोच ने छोड़ दिया, और ये बहुत अच्छी बात है कि किसी को टॉन्ट नहीं करो, आप अपनी इज्जत खुद बनाओ, आप अपने इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड नहीं करो, किसी का सहारा लेके फेमस नहीं हो, या फॉलोअरशिप गेन नहीं करो, या लाइक्स गेन नहीं करो। दो लाइक्स आते हैं, दो फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लेकिन उसमें आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती, आपकी इज्जत नहीं होती, लोग के नजरों में हम गिर जाते हैं। और ज्यादातर काफी लोगों ने जब कहीं पे भी देखा है, किस मतलब सिटी में देखा है, विलेज में देखा है, कहीं भी बाहर देखा है, शिकारपुर में शो हुआ था, सखर में हुआ था, तो लोग मुझे जिस करेक्टर में बना रहा था, जिस सीन पे मैं बना रहा था वीडियोस, तो उसी नाम से मुझे पुकारते हैं, देखो ये इस टाइप की वीडियो बनाता है, ये रहा HP बलोच, यार ये तो ये है, इस तरीके से। जब से मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, यानी कि ये कॉन्टेक्ट मेरा, यानी कि एग्जैक्टली नॉट गुड, तो उस तरीके से जब मैंने सोचा कि यार ये मेरे लिए बेहतर नहीं है, अगर फेम लेना चाहिए तो लोगों को दिल को जीतना चाहिए और उसको मतलब एंटरटेन करना चाहिए। इंसान अपनी पर्सनैलिटी बनाता भी खुद है और खराब भी खुद करता है। तो अगर आप एक पढ़े लिखे हो,
एक शऊर वाले हो, हाँ, तो एक इंसान पॉजिटिव जाए। और मैं ये कहती हूँ अच्छा इंसान वही है जो बुरे इंसान को भी ज्यादा इज्जत दे, ताकि उसका एक करेक्टर पता चले। क्योंकि हर कोई अपने लिए करता है, किसी के लिए कुछ नहीं करता, जो जैसा बोलता है वो वैसा पाता भी है। तो अब अगर आप किसी के लिए किसी के करेक्टर के बारे में गलत कहोगे तो कल को कोई आपके करेक्टर पे उंगली उठाएगा। तो इसीलिए जो लोग अभी जो है ना, देखें एक तो होते हैं आप एक ट्रेंडिंग बनाते हैं, जिस तरीके से आप एक ट्रेंड में स्टार्ट होते हैं, तो काफी सारे लोग जो हैं अभी मैंने काफी टिकटॉक में है, ज्यादातर टिकटॉक ही यूज करता हूँ मैं, और टिकटॉक में काफी सारे में लोग देखे हैं मैंने, जिस तरीके से अभी वीडियोज बना रहे हैं, जिस कॉन्टेंट बना रहे हैं, जिस तरीके लोगों को टारगेट कर रहे हैं, मैंशन कर रहे हैं। मैं तो अपने अंदाजे से और अपने तरीके से एक मुद्दे से नॉट फेयर, ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको टिकटॉक पे आगे जाना है, आगे फैम लेना है, तो अपने कॉन्टेक्ट बनाओ, अपने एक तरीका बनाओ, अपने एक रूल्स बनाओ। अब किसी को टारगेट करके या मेंशन करके मतलब उसको बुरा भला कह के अपने आप को फेमस कराना, लाइक्स या फॉलोअर, तो आई थिंक दैट्स नॉट गुड। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अब आते हैं अगर हम बात करें लाइफ की, टिकटॉक के अलावा राशिद आप क्या करते हैं? फ्री होता हूँ। फ्री होते हैं जी, जी। अच्छा, जिंदगी में कोई ऐसा, जिंदगी से कोई शिकवा? बहुत है। क्या शेयर करो? शेयर तो नहीं करना चाहता कैमरा के आगे। कोई ख्वाहिशें अधूरी रही? मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी, हम दम इसमें भी कुछ पर्दा नशीनों के नाम आते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कुछ शेयर नहीं करना पड़ता, कुछ बातें ऐसी हैं तो ऐसी होती हैं यार। मैं ये कहती हूँ ख्वाहिशें तो होती हैं जो अधूरी रह जाती हैं, ख्वाहिशें ही होती हैं जो अधूरी रहती है। तो खैर शिकवा नहीं करना चाहिए, ज़िंदगी है, मुख्तसर है, और जो मिलता है वो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की रज़ा में खुश होना चाहिए, क्योंकि वो बेहतर लेता है तो बेशक बेहतरीन देता है। बेशक वो तो कहते हैं ना, ना मुझे कुफर है, अल्लाह के आगे हरदम उम्मीद नहीं रहना चाहिए। ओके हो गया। अच्छा, HP बलोच की तरफ आते हैं, ज़िंदगी से कोई शिकवा, कोई शिकायत? जिंदगी से शिकवा तो बहुत है, इंसान थोड़े अपने कारना में भी ठीक करे ना, तो शिकवा अल्लाह से नहीं करेगा। क्या कह सकते हैं, कितनी शिकवाएं हैं जिंदगी में, बहुत सारी शिकवाएं हैं। अच्छा, लेकिन अबे शो पे नहीं, ओके ओके, बस चेंज दिस टॉपिक। आपके सामने में शेयर करूं, लेकिन सीन इस तरह हुआ कि कुछ मुझे शेयर करने से मुझे कुछ तकलीफ होगा, तो बस जी अबे बाबा शो है ये लो, तारा तारा हंसाती है, रुलाती नहीं है। अच्छा, हम लोग वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। अगर फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपकी? फेवरेट टिकटॉकर तो सिंगर फाइजा अली है। फाइजा, ओ जी जी, हमारी बहुत प्यारी सिंध की अच्छी सिंगर है। हाँ, बहुत अच्छी सिंगर है, और उसकी आवाज़ भी माशाल्लाह माशाल्लाह, और फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं। दिल, मेरा दिल तो बहुत चाहता है उनसे मिलूं, पर लेकिन वो सिंगर है, टिकटॉकर की बात कर रही हूँ, मतलब वो सिंगर है। बनाती है ना? बनाती तो है, लेकिन अच्छा, वो सिंगर है। टिकटॉकर टिकटॉक में कौन, लेडीज में या जेंट्स में? लड़कियों में। लड़कियों में? लड़कियों में। लड़कियों को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं करता वैसे, अक्सर किंजर अक्सर जी जी। और लड़कों में? लड़कों में तो रावलपिंडी का है, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं। क्या नाम है? नाम तो ज़हन में नहीं है। मैं किस टाइप की वीडियोस होती हैं? अच्छा, एक्शन टाइप की होते हैं। मलिक कुमार? नहीं, राहुल पिंडी का है। राहुल पिंडी से बिलोंग करते हैं, और उनकी भी काफी वीडियोस अच्छी होती है। आपकी फेवरेट टिकटॉकर कौन है? फेवरेट टिकटॉकर मेरा तो है वैसे तो गाजर लियाकत मौला, जो एक। लड़कियों में कौन है? अक्सा किंजर, माय फेवरेट्स। अच्छा, और अक्सा किंजर के अलावा सिंगर फाइजा अली। सिंगर फाइजा अली, वो तो अपनी जान है फिर। हाँ, वो तो है, वो तो मैं देखता हूँ, तो शौक से देखता हूँ कि जब भी अगर आज आ जाता है, अगर वीडियो फॉरवर्ड में ट्रेंडिंग में आ जाता है, तो मैं ज्यादातर उसकी आईडी ओपन करके चेक करता हूँ कि आप हैं माशाल्लाह, आप दोनों के दो वीडियो जो होते हैं तो माइंड ब्लोइंग, उसकी तो क्या बात। ऐसा ही है। तो अच्छा, जिंदगी में फेवरेट टिकटॉकर भी पूछा, सब चीजें पूछी, अब मैं ये पूछूंगी कि टिकटॉक ऐप जो है, टिकटॉक ऐप से अर्निंग तो नहीं है, फिर क्यों बनाते हैं? टिकटॉक ऐप से बिल्कुल अर्निंग नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टिकटॉक पे एक जुनून होता है, यार मुझे इस तरीके से बनना है, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे फॉलो करें, और टिकटॉक में और तो इतनी अभी जो तरीके से वीडियोस चल रही हैं, जो मैं तो कहता हूँ कि अच्छा। राशिद, फैमिली का सपोर्ट? फैमिली का सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह है,
आपको? और मुझे तो फैमिली का सपोर्ट कख नहीं है, कख भी नहीं है। बाबा तो जब मुझे टिकटॉक, अभी देखो मेरे मोबाइल का नाम भी टिकटॉक है, मेरा नाम भी टिकटॉक है, मुझे सारे मतलब घर में बाबा टिकटॉक ही बुलाते हैं और नाम मेरा जो है वो लेते नहीं है। फैमिली का सपोर्ट है इसलिए तो काम वगैरह नहीं करता हूँ, फ्री होता हूँ फिर टिकटॉक में टिकट बनाता हूँ। टिकट क्या होती है? क्या मैसेज देंगे फैंस को? फ्रेंड को यही मैसेज दूंगा, सोच तब्दील करें, अच्छी सोच रखें, लोगों को नेगेटिव ना बोलें, बुरा भला ना बोलें, फिर जो है ना अपनी पाँव में खड़ा हो। क्या क्या मैसेज देंगे? मेरे फैंस इतने हैं नहीं, 37,000 फॉलोअर हैं, लेकिन पहले जो मेरे फॉलोअर रह चुके हैं सिर्फ उनको यही कहना चाहूँगा, देखें अगर आप किसी को टारगेट करते हैं या बुरा भला कहते हैं, उससे आप फॉलोअर लेते हैं या मिसाल लाइक्स लेते हैं, तो आपको कोई बंदा या बंदी आपको ऐसे नहीं बोलेगा, आपको हर किसी की नजरों में आप टारगेट रहेंगे। ऐसा ही मतलब कि आपको जो भी बंदा देखेगा, बंदी देखेगा, यार देखो यही बंदा, यार ये बंदा अच्छा नहीं है, सब लड़कियों को खराब करता। जिस तरीके से आप वीडियो बनाएंगे एक अच्छी तरीके से, जाहिर सी बात है बॉयज भी देखते हैं, जेंट्स भी देखते हैं, फैमिलीज भी देखती है ज़्यादातर जो होते हैं, मतलब फैमिलीज घर में वो भी देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो अगर हमारे वीडियोस के पास कोई ख़राब जाए तो वो क्या सोचेंगे, हमारे बारे में अच्छी सोच नहीं रखेंगे। और ज़्यादातर यही कहूँगा कि जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा भी सबको यही मैसेज होता है रोज़ाना, प्यार बांटें, मोहब्बत बांटें, नफरतें दूर करें। लेकिन आज आज मुझे काफ़ी मतलब दुख भी हो रहा है लोगों पर कि जो मेरे बारे में बहुत कमेंट्स गलत करते थे पहले, लेकिन अब वो वीडियोस बना के टॉन्ट कर रहे हैं, तो आई डोंट केयर। ये आप अपना ज़र्फ़ दिखाते हैं और बाकी मुझे ख़ुद पे प्राउड है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जैसी हूँ अच्छी हूँ, मुझे किसी को साबित नहीं करना कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं। तो बस इतना कहूँगी, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो आके फेस टू फेस बोले, बैक फेस टू फेस जिसकी बात करने की औकात नहीं होती ना, तो ज्यादातर वो वीडियो में किसी को टारगेट बनाते हैं या मेंशन करते हैं गलत मतलब अल्फाज बयान करके अपने लाइक बढ़ाते हैं। भाई आप भी बना देते हैं ऐसे जब बनाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि मेरी बुराई करने से ना आपको फॉलोअर्स मिलेंगे ना आपको कुछ मिलेगा। एक रिस्पेक्ट इंसान अपनी इज्जत बनाता भी खुद है, खराब भी खुद करता है। तो ये जो टॉन्ट करना है मुझे, अच्छा हिम्मत इतनी है माशाल्लाह से, मैं यही कहूंगी जितना मेंशन कर सकते हैं करें। मुझे मेंशन भी किया जा रहा है, मेरी अपनी ऑफिशियल अकाउंट को मेंशन किया जा रहा है, मेरे फैंस अकाउंट को मेंशन किया जा रहा है। तो बस अगर मेरा शो, वो लाजमी बात है अगर वो मुझे इतना फॉलो कर रहा है तो मेरा शो भी देखता होगा। तो मैं ये मैसेज दूंगी कि ये कर सब करने से आपको ना फेम मिलेगी ना कुछ। तो भाई ये बराए मेहरबानी अपने आप को सुधारें और अपने टैलेंट पे आगे जाओ, किसी की बुराई करने से। इस बंदे ने टैलेंट को छोड़ के करेक्टर पे बात की थी, मैं नाम भी लूंगी, हमारी सिंध की बहुत फेमस और अच्छी आर्टिस्ट है, मैं तो हर एक को अच्छा बोलती हूँ, कि रूबी अली उसके खिलाफ ये वीडियोज़ बनाता था, लाखों व्यूवर्स लिए, लाखों लाइक्स लिए, लेकिन 5 अकाउंट इस बंदे ने अपने बैंड करवाए। शो पे बुलाने का मकसद ये था कि अब इसने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, अब ये अपना कंटेंट लेके चल रहा है, अपने फॉलोअर्स खुद गेन कर रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और यही है कि भाई आज के बाद किसी के करेक्टर पे उंगली नहीं उठाना, किसी के करेक्टर पे बात करना ऐसे समझो अपनी आपकी कमजोरी। बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान अपना ज़र्फ दिखाता है, अपनी औकात दिखाता है। तो नाज़रीन बिल्कुल बी पॉजिटिव, खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। और मुझे रखें दुआओं में याद, मेरे शो को देखा करें। और ये जो है बड़े प्यारे मैसेजेस भी होते हैं, टैलेंट भी होता है हमारे साथ। तो अपना रखें ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टैलेंट के साथ, आपकी अपनी फेवरेट पर्सनैलिटी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।